दोस्तों आज की कहानी है, माँ भाभी आ गई हैं, अब तो रसोई में मत जाया करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे भाभी सुना है नेहा आने वाली है, उसे देखे तो जमाना हो जाता है। आपको उसकी याद नहीं आती और ना वो आप उसे लाने की कोशिश करती हैं। सबको मेरी जैसी ननद नहीं मिलती, वह तो आपके भाग्य अच्छे हैं पर सुना है उसको सास बहुत अच्छी मिली है। आरस्य की बात है, कुछ तो दिक्कत जरूर होगी, वह बात अलग है कि आप मुझे बताती नहीं हैं। मनोरमा जी अपनी भाभी कमला जी से कहती हैं। कमला जी मुस्कुरा कर बोली, दीदी ये बात तो सही है कि हर घर में सास और ननन अच्छे मिले जरूरी नहीं है। अब जब अपने ही हाथों की उंगलियां एक जैसी नहीं होती तो रिश्ते एक जैसे कैसे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर सास बुरी ही हो, रिश्तों को समझने और संभालने के लिए थोड़ी बहुत सामंजस्यता होनी चाहिए। निया अपने घर में बस गई है तो क्यों बार बार उसे मायके की परेशानियों से परेशान करूं। थोड़ी देर बाद मनोरमा जी अपने घर चली गई है कहते हुए कि निया आएगी तब आती हूँ। तभी उधर से कमला जी के पति किशोर बाबू और बोले, आज दीदी बड़ी जल्दी चली गई। कमला जी मुस्कुरा कर बोली, कोई नई खबर या मनोरंजन लाइक मसाला नहीं मिला तो चली गई। ननन के रूप में उनकी भूमिका मेरे लिए अच्छी याद है पर अब दीदी भी सास बन गई है तो अपने किरदार में आ चुकी है। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। दो दिन बाद निया मायके आई। कमला जी ने बेटे के पसंद की सारी चीजें बनाई और किशोर बाबू दमान में लगे थे। शाम तक निया के पति मानव को वापस घर जाना था क्योंकि उसके माता पिता की भी उम्र हो गई थी तो उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। कुछ घंटे बाद मनोरमा जी का आगमन हुआ। मानव के जाने की बात सुनकर मनोरमा जी बोली, अरे दामन बाबू लगता है आपके सास ससुर ने आपकी आप भगत ठीक से नहीं की। क्यों भाभी, जब भाई साहब आपके मायके जाते थे तो खूब खातिरदारी होती थी, फिर आप अपने दामन को क्यों जाने दे रही। कमला जी के कुछ करने से पहले ही निया बोली, बुआ जी अगर आपके दामन की खातिरदारी यहाँ हुई तो मेरे साथ सास ससुर का ख्याल कौन रखेगा, मैं नहीं चाहती मेरी सास को कोई तकलीफ हो। निया की बात सुनकर मनोरमा जी आरस्य में थी क्योंकि कोई बहुत जल्दी अपनी सास की तारीफ जो नहीं करती। शाम की गाड़ी से मानव वापस अपने घर चले गए। मनोरमा जी अपनी जलेबी जैसी बातों से निया के ससुराल की बातों को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे परंतु निया ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उन्हें उदास मन से लौटना पड़ा और शाम हो गई तो निया ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया और माँ की गोद में खुद सर रख कर लेट गई। कमला जी बोली, बेटा तुम ठीक हो तो तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है। निया उठ कर बैठ गई और बोली, माँ सास के मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ पर मेरी ननन मेरी सासू माँ जैसी बिल्कुल नहीं है। ये बात मम्मी जी भी समझती हैं पर क्या करूं, आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। आप तो कहती थी बुआ जी आपको कभी परेशान नहीं करती थी, फिर मुझे ही ऐसी ननन क्यों मिली। कमला जी निया को समझाते हुए बोली, बेटा अपने हाथों की पांचों उंगलियां जब एक जैसी नहीं होती तो दूसरे परिवार में हर रिश्ते एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तुम्हारी बुआ जी ननन के रूप में बहुत अच्छी हैं परंतु अपनी बहू के लिए भी क्या वह अच्छी सास है। और जहाँ तक तुम्हारी दादी की बात है, तुम तो भली भांति जानती हो कि तुम्हारी दादी का स्वभाव कैसे तीखी मिर्ची जैसा था। ससुराल का परिवार भी एक असार जैसा होता है जहाँ हर स्वाद का अनुभव मिल है। तभी तो एक लड़की परिपक्व बहू पत्नी और सास बनती है।
माँ के घर में निया को बहुत सुख मिला और माँ ने भी बेटी के साथ बहुत अच्छे समय बिताए। करीब एक हफ्ते बाद निया के पिता उसे उसके ससुराल छोड़कर आए, क्योंकि निया सास को ज़्यादा दिन अकेले भी नहीं छोड़ना चाहती थी, जिस बात से कमला जी बहुत खुश रहती थी। जैसे ही निया ने अपने कमरे में कदम रखा, उधर से उसकी ननन कविता बोली, आ गई भाभी, ये अच्छा है मेरे माँ बाप को मेरे भाई भाभी के भरोसे छोड़कर आप मायके घूम रही थी। निया बोली, अरे दीदी आप कब आई? कविता बोली, अब आप नहीं थी तो सबकी देखभाल के लिए किसी को तो होना चाहिए था। निया मानव से बोली, आपने बताया क्यों नहीं कि दीदी आ रही, मैं जल्दी आ जाती। तभी उधर से निया की सास सीमा जी बोली, बहू ये कल की ही आई है और तुम कौन सा महीने दिन के लिए जाती हो? पूरे एक साल बाद तुम अपने मायके गई थी और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम इसकी बातों में मत आओ, जाओ कपड़े बदल लो, तब तक मैं साई बनाती हूँ। कविता बोली, माँ बहू के आने के बाद भी आप भी रसोई में जाओगी तो क्या फ़ायदा बहू के होने का? सीमा जी बोली, बहू को फायदे नुकसान की तराजू में तोड़ना ये तो अन्याय होगा। शादी के पहले तुम्हारे लिए भी मैं साई बनाती थी, अब जब तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, तो अपनी भाभी के लिए भी वही सोचो। इतना कहकर सीमा जी रसोई की तरफ चली गई और निया अपने कमरे में चली गई। कविता अपनी माँ के पीछे पीछे रसोई में गई और निया की शिकायत करने लगी। सीमा जी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। थोड़ी देर बाद निया रसोई में आई तो कविता रसोई से चली गई। सीमा जी बोली, बहू तुम्हारी नई नई शादी नहीं हुई है कि मैं ये समझाऊं कि ननन की बातों का बुरा मत मानो, ये कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। निया मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, दीदी आप जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि सास के रूप में आपको पाया, काश की दीदी भी मेरी बहन जैसी बन पाती तो मुझसे ज़्यादा खुशी संसार में कोई नहीं होता। सीमा जी बोली, बहू जीवन में जब तक सटपटा सवार ना हो जीवन जीने का मजा ही नहीं आता। ये रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कभी मीठा तो कभी तीखा, बस कुछ स्वाद को अपने मन में बसा कर नहीं रखना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी आराम से चलती है। कभी मेरी सास और ननन के बारे में जानना हो तो मानव से पूछना, सुनकर ही तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। इतना कहकर हंसते हुए सीमा जी वहाँ से चली गई। एक रोज निया ने सारट बनाया, सब ने सवाल लेकर खाया। कविता भी बड़ा स्वाद लेकर खा रही थी परंतु कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रही थी। निया हंसकर बोली, दीदी आपके भैया तो मम्मी जी जैसे हैं, आप किस पर गई हैं? कविता बोली, रंग रूप तो मैंने अपनी बुआ का लिया क्योंकि मेरी बुआ बहुत सुंदर थी, और स्वभाव किसके जैसा तुम ही बताओ। निया बोली, दीदी बुरा मत मानिएगा पर आप ना तो मम्मी जी जैसी है ना ही पापा जी जैसी, फिर किसके जैसी है? तभी सीमा जी हंस कर बोली, बहू तुम्हारी ननद तुम्हारी दादी सास और बुआ सास के जैसी हैं, बिल्कुल तीखी मिर्ची जैसे, जब भी मुंह खोलो आग लगाती थी। क्यों कविता, याद है ना बुआ और दादी की बातें? माँ के साथ मानव भी हंसने लगा पर कविता गुस्से में लाल पीली हो रही थी। कुछ रोज खट्टे मीठे स्वाद वाली यादें देखकर कविता भी अपने घर वापस चली गई। फिर घर में वैसे ही शांति सा गई। तब निया को एहसास हुआ कि उसकी माँ और सास सही कहती हैं, जब अपने ही हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती तो ससुराल के रिश्ते तो असार जैसे होते हैं, कभी खट्टे मीठे तो कभी मन चलाने वाले तीखे स्वाद जैसे। आपके ससुराल का स्वाद कैसा है?